अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसब गजनवी, आपका होस्ट नापे अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे फयाजुल हसन चौहान सूबाई वजीर इत्तला'आत पंजाब के बयान की। उन्होंने का गुज़िश्ता दिनों एक निजी यूनिवर्सिटी में मुनक़दा तकरीब के दौरान कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बचे हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं, वो बड़े बड़े फ्राड करते हैं। इसका पसे मंजर यूं कि उनसे सवाल किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से एक मीडिया रिपोर्टर की जानिब से, तो उन्होंने इस बात का जवाब बड़ा मजाका खेज दिया। उनसे इस बात की एक्सपेक्टेशन तो हर कोई रखता है कि वो बात का जवाब कुछ इसी अंदाज में देंगे या कुछ इसी ही एंगल से देंगे, तो लेकिन ये कोई नहीं समझ सकता था कि वो इस तरह की बात भी करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को बचा अक्सर औकात कई सियासतदान भी कह चुके हैं। हाँ, फयाजुल हसन चौहान भी इससे कबल कह चुके हैं, मगर फ्रॉड कौन से करते हैं ये उन्होंने हरगिज नहीं बताया। फ्रॉड के बारे में या तो वो खुद ही बता सकते हैं, तो या अल्लाह जानता है कि वो कौन से फ्रॉड करते हैं, या करते भी हैं या नहीं करते, ये तो सिर्फ और सिर्फ फयाजुल हसन चौहान बता सकते हैं कि उनके पास इसके पीछे क्या बात थी। और हाँ, दूसरी बात, उनका कहना था मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से पूछे गए सवाल पे कि मौलाना फजलुर रहमान कभी किसी पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं, कभी नून लीग की और कभी पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी की गोद में पिछले दिनों बैठे रहे, नून लीग की गोद में बैठे रहे, अब वो सोच रहे हैं कि मैं किसकी गोद में जाके बैठूं, तो अब वो अपनी गोद बदलने जा रहे हैं। ये बयान था सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान का, और इस बारे में उनकी ये बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने इसके ऊपर कंडेम भी किया, लोगों ने इसके ऊपर उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन फयाजुल हसन चौहान अपनी आदत से मजबूर हैं, वो बास तो नहीं आ सकते, वो जो करते हैं वो बेहतर ही समझते हैं अपने लिए। और फयाजुल हसन चौहान के दो बयान जो कि सोशल मीडिया की जीनत बने, बल्कि अखबारात की भी जीनत बने, और इस मामले को बड़ा भरपूर तरीके से इस बयान को देखा गया जो कि उन्होंने इन दो सियासतदानों के बारे में दिया है। और उसके अलावा उन्होंने का कहना था कि मौजूदा जो बहरान है मुल्क के अंदर चीनी का या आटे का, तो इसके अंदर पीटीआई किसी तरह भी मुलविस नहीं, ना ही जहांगीर तरीन। उसमें मुलविस कौन है, उसके अंदर पीटीआई के मुखालफीन यानी के नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके बकौल सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हैं, तो इस वजह से मुल्क में मौजूदा बहरान के जो जिम्मेदार हैं वो भी यही दो साबिका हुकूमतें और मौजूदा उनकी अपोजिशन पार्टियाँ हैं जो कि मुल्क में ये बहरान पैदा कर रही हैं। और इसके अलावा उनका दूसरी बात पे ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर बुज़दार हुकूमत पंजाब के अंदर खासा अच्छा काम कर रही है, बुज़दार साहब के हवाले से उनका कहना था वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो सारों को मिलजुल के साथ लेकर चलने के लिए और पंजाब की तरक्की के लिए कोशां हैं। ये बात उनकी कितनी सच है ये तो वक्त ही बताएगा, अलबत्ता अभी तक तो इन बातों में कोई सदाकत नहीं नज़र आ रही। और मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।